कोरोना वायरस महामारी के संकट के इस दौर में दूर दराज के इलाकों के लिए समानांतर लाइफलाइन बनकर उभरा है भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग ने दूर दराज के इलाकों में समय पर जरूरी सामान, दवाई, चिकित्सा उपकरण पहुंचाया है, साथ ही बैंकिंग सेवाएं भी दी है। इसके अलावा डाक विभाग ने खाने पीने की चीजें और राशन वितरण का काम भी किया है। किस तरह ये सब कुछ संभव हुआ, देखिए राज्यसभा के इस खास रिपोर्ट में। डाकिया, डाकिया डाक लाया, एक दूसरे का संदेश पहुंचाने वाले यही डाकिये अब कोरोना योद्धाओं के तौर पर महामारी की चुनौतियों से निपटने में देश की मदद कर रहे हैं। चुनौती बड़ी है तो इन डाकियों का हौसला भी बुलंद है। तभी तो देश के तमाम दुर्गम इलाकों में ये घर घर जाकर आधार नंबर बेस्ड पेमेंट बैंकिंग के जरिए लोगों को पैसों का भुगतान कर रहे हैं। इस काम में ड्यूटी से ज्यादा उनका समर्पण भाव दिख रहा है। बैंकों पर ज्यादा दबाव ना हो, साथ ही लोगों को घर से निकलना भी ना पड़े, डाक विभाग ने यह सुनिश्चित किया है। भारतीय डाक की ओर से किए गए ये कामकाज उसकी अहमियत को बताते हैं। डाक विभाग ने 2.3 करोड़ सेविंग खातों से 33,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। 23 लाख आधार इनेबल्ड ट्रांजैक्शन से 452 करोड़ रुपए का वितरण हुआ है। 74.6 लाख डीबीटी भुगतान का 700 करोड़ रुपए का वितरण हुआ है और 31.5 लाख मनी ऑर्डरों से 355 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। इसी तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 2600 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। लॉकडाउन के दौरान डाकघर सारी बुनियादी और वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल स्पीड पोस्ट के जरिए दवाओं की डिलीवरी को खास प्राथमिकता दी जा रही है। डाकिये रविवार को भी दवाओं का वितरण कर रहे हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए कई इलाकों में मोबाइल डाकघर खोले गए हैं। कई जगहों पर वेंटिलेटर, कोविड-19 टेस्ट किट और दूसरे चिकित्सा उपकरणों को कार्गो एयरलाइंस और मेल मोटर नेटवर्क से पहुंचाने का काम जारी है। गुजरात सरकार की विधवा पेंशन स्कीम के तहत 4 लाख खातों से 51 करोड़ रुपए बांटने का काम 3 अप्रैल से शुरू हुआ। वहीं तेलंगाना में ग्रामीण अंचलों में बुजुर्गों और अन्य की पेंशन की 509 करोड़ की रकम भी डाकघर की मदद से बट रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात सहित कई मंचों पर डाक विभाग के योगदान की सराहना की। जरूरी वस्तुओं की कमी ना हो, इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वॉरियर ही हैं। कोरोना संकट के बीच कठिन दौर में भारतीय डाक ने दुर्गम इलाकों में करोड़ों रुपए की राशि पहुंचाई। बुजुर्गों की पेंशन हो या दवाएं और जरूरी सामान, इनको पहुंचाने में डाक विभाग आगे रहा। 1,55,000 से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के साथ इसे कुछ माह पहले मिले 1,86,000 हैंडहेल्ड AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस मशीनों ने खास काम किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की इस सुविधा से घर बैठे पोस्टमैन के जरिए पैसे हासिल करना संभव हुआ है। कोरोना संकट में डाक विभाग की बढ़ी हुई भूमिका के मद्देनजर सरकार ने भारतीय डाक सेवकों समेत सारे डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति भुगतान का फैसला भी किया है। भारतीय डाक विभाग जो केवल चिट्ठी बांटने का, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा था, वह भारतीय डाक विभाग आज लोगों के लिए औषधियां भी पहुंचा रहा है। लोगों के लिए फल सब्जी वगैरह जो भी बाजार की आवश्यकता की चीजें अपनी अपनी गाड़ियों में लेकर के वो पहुंचा रहे हैं और आवश्यकतानुसार स्थानीय तौर पर हमारे कर्मचारियों ने व्यवस्था की तो वहां पर वो जो लोग गरीब निर्धन हैं उनको भोजन वगैरह भी उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते डाक विभाग को कई जगहों पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बाधित होने से भारतीय डाक को नई रणनीति बनानी पड़ी है। भारतीय डाक जहां एक ओर अपनी सारी सेवाओं को जारी रखते हुए लोगों को राहत दे रहा है, वहीं उसके कर्मचारी भी लगातार संकट में गरीबों की मदद कर रहे हैं। कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए
फूड ऑन व्हील्स आरंभ किया गया है, तो कहीं मेल मोटर वाहन से भोजन पार्सल दिन में दो बार बांटा जा रहा है। भारतीय डाक की लाल रंग की डाक गाड़ियां बेघर और भूखे लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।